फिरोज खान बड़ी मुश्किल में आ गए। अदाकार मुनीब बट ने अहम कदम उठा लिया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुनीब बट ने अपने साथी अदाकार फिरोज खान पर साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुनीब बट ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर फिरोज खान के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद एक तफसीली नोट शेयर किया है। उन्होंने ये तफसीली नोट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि मेरे लिए बहुत आसान है कि आपका और आपकी फैमिली के फ़ोन नंबर्स और रिहाइश के बारे में मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करना, लेकिन मुझ में और आप में फ़र्क है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं आपकी फैमिली की भी बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। दूसरी जानब ऐमन खान ने भी फिरोज खान की जानब से सोशल मीडिया पर अपना फ़ोन नंबर और रिहाइश के बारे में तफसीलात लीक किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि फिरोज के इस अमल ने मुझे शदीद जहनी परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि जब से मेरा फ़ोन नंबर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है मुझे सैकड़ों कॉल्स और पैगाम मौसूल हो रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि इस अमल से मेरी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल दिया गया है, क्योंकि मुतद्दिद लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स पर जहनी तौर पर हरासा किया और धमकियां दी, मेरी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है। ऐमन खान ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि यह अमल गैर कानूनी है और मैं इस पर फिरोज खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी। याद रहे कि इससे कबल जब फिरोज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हत्या के इज्जत केस के हवाले से ऐलान किया था तो उन्होंने चंद दस्तावेज भी साथ में शेयर किए थे जिसमें साथी फनकारों की हसास मालूमात थी। मजीद खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।